मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका ट्रैवल गुरु राजीव में स्वागत है। आज हम मनाली में हैं और यहाँ से हम आपको सुप्रभात कर रहे हैं। देखिए आज कितना शानदार व्यू है, स्नोकैप माउंटेन और हरे भरे पहाड़ और सामने ये मनाली में होटल्स जो ब्यास नदी के किनारे हैं वो है, कितना सुंदर व्यू बना रहे हैं। चलिए हम आगे मिलते हैं। वशिष्ठ टेंपल मनाली, खूबसूरत नक्काशी है, ये लकड़ी का बना हुआ है मंदिर। वातावरण बहुत ही शांत है। ये इसका एंट्रेंस है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। वशिष्ठ टेंपल पे हॉट वाटर स्प्रिंग है ये। वशिष्ठ टेंपल का ये मेन एंट्रेंस है। और ये वशिष्ठ टेंपल है इधर। इधर ये वशिष्ठ टेंपल है और ये इसका मेन एंट्रेंस है। और ये इधर श्री राम मंदिर, देखिए इसकी बनावट स्ट्रक्चर बता रहा है कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये। आज हम लोग मनाली साइट सीइंग करने के लिए निकले हैं और बस होटल से निकल के हम रोड पे आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए कितना खूबसूरत और शांत वातावरण है इधर। साथ में वशिष्ठ नदी हमारे साथ चल रही है और ये सामने स्नो से ढकी हुई चोटियां। और आज हमारा मनाली साइट सीइंग, लोकल साइट सीइंग का प्रोग्राम है, वही हम पूरा करते हैं। चलो भाई, अटल टनल मिस्तरफी है। In 200 meters, turn right. Turn right, then turn right. Vasishta Temple, Manali. खूबसूरत नक्काशी है ये। लकड़ी का बना हुआ है मंदिर। वातावरण बहुत ही शांत है। ये इसका एंट्रेंस है, ये भी लकड़ी का बना हुआ है, ये भी बहुत शानदार है। संक्षिप्त स्थल पुराण वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मनस्पुत्र थे। इनका जन्म ब्रह्मलोक में सृष्टि के प्रारंभ में हुआ। ये अमृत को प्राप्त हुए वशिष्ठ स्थल ही रही है। वशिष्ठ आठ हजार 88,000 साल पर 88,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। Thank you.
सुंदर सुरम्य और शांत वातावरण में ये मंदिर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी हुई है, वो ऊपर भगवान राम के गुरु जी, ये भगवान राम के गुरु थे। कितना सुरम में प्राकृतिक वातावरण है। इधर ये हॉट वाटर स्प्रिंग है जहाँ पर नहाने का है, और ये एंट्रेंस है इसका। ये पूरा वुड का है, वुडन क्लॉथ। वशिष्ठ टेम्पल पे हॉट वाटर स्प्रिंग है ये। हॉट वाटर स्प्रिंग है ये, और ये सल्फर युक्त होता है, जैसे कि आपका जो भी स्किन कलर हो, स्किन रोग होगा वो दूर हो जाएगा। कुदरत की ये भी एक करिश्मा है। ये महा ऋषि वशिष्ठ ग्राम कमेटी के अंडर में है ये वशिष्ठ टेम्पल। उस पर सुना करें, ये श्री राम टेम्पल है मनाली में, वशिष्ठ टेम्पल के प्रांगण में ही है ये मंदिर। 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है। ये भी लकड़ी का बना हुआ है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ऊपर का व्यू देखिए कितना शानदार है। इधर से हम लोग अंदर आते हैं ऊपर मंदिर के, और ऐसे ये बहुत सुंदर सुरम में वातावरण। पूरा ग्रुप फोटो ले रहा है। वशिष्ठ टेम्पल का ये मेन एंट्रेंस है। और ये वशिष्ठ टेम्पल है इधर। इधर ये वशिष्ठ टेम्पल है, और ये इसका मेन एंट्रेंस है, और ये इधर श्री राम मंदिर। देखिए इसकी बनावट स्ट्रक्चर बता रहा है कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये। चलिए दर्शन करने चलते हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर बता रहा है कि बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये देखिए बहुत प्राचीन स्ट्रक्चर है ये मंदिर का। जय श्री राम। Thank you.
ये है ब्रह्मा विष्णु में, अभी ये नया स्ट्रक्चर बनाया है, ये लकड़ी का है। दरवाजा भी देखें कितना शिल्पकारी, बहुत जबरदस्त है। कैसा लगा यहाँ पे आके? सुंदर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये इसके स्ट्रक्चर बता रहा है कि बहुत प्राचीन मंदिर है ये। राम मंदिर का महत्व, रघुवंश के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ तथा मर्यादा पुरुषोत्तम का यह ऐतिहासिक पावन स्थल भारतवर्ष में एकमात्र कुल्लू घाटी में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात है। विपाशा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ स्थान पर आत्मग्लानी के बंधन से मुक्त हुए स्थान को तप्त किया था। राम टेम्पल के प्रांगण से ये मैं स्नो कैप माउंटेन्स का वीडियो बना रहा हूँ। कितना शानदार व्यू है। इधर बादल भी हल्के हल्के सफेद दिख रहे हैं, उसके नीचे सफेद माउंटेन और उसके नीचे पाइन्स के पेड़ों से आच्छादित पहाड़, बहुत सुंदर व्यू। साथ में ये श्री राम टेम्पल, नहीं सोलांग वैली तो इधर ही रास्ते में है, बस यही है सोलांग वैली 3 किलोमीटर। आज हम लोग बहुप्रतीक्षित अटल टनल को देखने के लिए जा रहे हैं, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है हमारा अटल टनल। कभी बर्फ के ढके पहाड़ इधर आ जाते हैं बाएं हाथ पे, कभी दाएं हाथ पे। खूबसूरत हिमालय रेंज, पाइन के पेड़, बहुत खूबसूरत रास्ता है सोलांग वैली और अटल टनल का। एक तरफ बर्फ के ढके हुए पहाड़ और नीचे नीचे पाइन के पेड़। कुदरत का अद्भुत नज़ारा, वो देखो पहाड़ बर्फ से ढका।